कम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। आज आज हम बात करेंगे एक्टिवा थ्री जी पे। एक्टिवा थ्री जी का ये देख सकते हैं हमारे हाथ में, ये कार्वेटर है, देख सकते हैं होंडा का, ये जेन्युइन पार्ट्स है। ये आपको 2535 रुपये का है, देख सकते हैं। ये मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये एक्टिवा थ्री जी का कार्वेटर है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। एक्टिवा थ्री जी में आपको इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपको इंस्टॉल करना है और किस कारण इस कार्वेटर को हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो हमारे वीडियो से बने रहिए दोस्तों, हम आपको चेंज करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये स्कूटी है एक्टिवा थ्री जी। कितने साल का गाड़ी होगा भैया, कितने साल हो रहा होगा? 2010 का ये गाड़ी है दोस्तों। तो क्या हुआ है, इसका कार्वेटर ख़राब हो चुका है। तो कार्वेटर, इसमें क्या प्रॉब्लम है कार्वेटर में, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके कि इसका रेस कम नहीं होता है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये कितना रेस है, आपको आवाज़ आ रहा होगा। इससे रेस इसका कम नहीं होता है। वो जो ट्यूनिंग करने का जो स्क्रू होता है इसका, देख सकते हैं ये जो होता है ये काम नहीं करना, इसमें बंद कर दिया। तो काफ़ी पुराना कार्वेटर हो चुका है, तो जिसके कारण एवरेज भी इनका कम हो चुका है और गाड़ी भी काफ़ी रेस रहती है, बिना एक्सीलेटर के ही गाड़ी चलती है। तो हमने एक्सीलेटर केबल भी चेंज करके देखा दोस्तों, और मिला करके भी देखा, कार्वेटर को भी साफ उफ करके, लेकिन वो सही नहीं हुआ। तो जिस कंडीशन में हमें कार्वेटर को नया चेंज करना पड़ रहा, तो इस गाड़ी का आपको कार्वेटर चेंज करके दिखाते हैं दोस्तों। तो इसे ओपन कर लिया मैंने दोस्तों। यहाँ से 12 नंबर का दो बोल्ट है और एक यहाँ है, तीनों बोल्ट को ओपन कर लेंगे। और दो स्क्रू बोल्ट होता है, एक यहाँ और एक उस साइड। तो इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। ये हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों, इस स्टिक के सहारे इसे खड़ा कर लेंगे। और गाड़ी को स्टार्ट करना है, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। गाड़ी देखिए दोस्तों, हमारा स्टार्ट है, देख सकते हैं इसमें एक्सीलेटर केबल भी नया लगा हुआ है। बट जैसे ही हम रेस का देखिए, ये ट्यूनिंग जब करेंगे तो ये इससे कम नहीं होगा। पूरा हम ये खोल देते हैं, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा स्क्रू भी अगर हम खोल दें तो ये कम नहीं होता है। देख सकते हैं आप, इसी पोजीशन में ये बना हुआ रहता है। तो ये ख़राब हो चुका है दोस्तों, ये कार्बेटर ये काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें इस कार्बेटर को, देख सकते हैं रेस तो होता है बट इससे कम नहीं होता है, उतना पे ही रहता है। तो क्या करते हैं, इसे चेंज करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है। ये हमारा स्लाइडर है दोस्तों, इसको ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा स्लेटर केबल भी नया लगा हुआ है। स्लाइडर को ओपन करने के बाद 8 नंबर का दो बोल्ट दिया हुआ है, उस बोल्ट को 8 नंबर रिंग रिंच या डायल रिंच की मदद से ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों को ओपन करने के बाद यहाँ से इस चॉक केबल को खोल लेंगे, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद यहाँ एक स्क्रू दिया हुआ है, इसे भी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कार्बेटर इंस्टॉल करके दिखाते हैं दोस्तों। स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों ये चॉक का केबल हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ओपन कर लेना है, उसके बाद ये फ्यूल का पाइप जो है वहाँ से निकाल देंगे हम। निकालने के बाद कार्बेटर हमारा बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं आप। देखिए कार्बेटर हमारा बाहर आ चुका है, अब नए वाला हम इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस स्लाइडर को चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें नया स्लाइडर दिया हुआ है, स्लाइडर को चेंज कर लेंगे। ये हमारा नया वाला स्लाइडर हुआ दोस्तों, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। और ये हमारा न्यू कार्बेटर हुआ, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है, देख सकते हैं आप, देख रहे बिल्कुल हमारा काम कर रहा है। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद हम कार्बेटर फिट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक पैकिंग होता है दोस्तों, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईयर लीक नहीं होना चाहिए। अगर आपका ईयर लीक करेगा तो आपकी स्कूटी पिकअप नहीं देगी, तो ईयर लीक नहीं होना चाहिए। 8 नंबर का दो बोल्ट है जो इसे यहाँ लगा देंगे, उसके बाद लगाने के बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों। आठ नंबर के रिंग रिंग से दोस्तों इसे फुल टाइट कर लेंगे हम, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसके स्लाइडर को अच्छी तरह से लगा देंगे, इसमें अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे दोस्तों। एकदम ये फ्री होना चाहिए दोस्तों, एकदम फ्री बैठना चाहिए। जरा सा भी अगर ये टाइट आपका जाता है तो आपको उसे अच्छी तरह से
लगाना है। अगर टाइट होता है तो आपका एक्सीलेटर सही काम नहीं करेगा दोस्तों। ये हमारा लग चुका है, उसके बाद ये चॉक का केबल है, इस चॉक के केबल को लगा लेना है। बहुत ही आसानी से इस चॉक के केबल को यहाँ से फंसा लेना है, देख सकते हैं आप। चॉक का केबल हमारा लग चुका है, यहाँ का स्क्रू ढीला करके इस स्क्रू को हमें ढीला कर लेना है दोस्तों, देख सकते हैं। फिर इसे यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हैं दोस्तों, फिर इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूल का जो इसका पंप होता है, देख सकते हैं ये फ्यूल वाला, तो इसे भी हम इसे लगा देंगे दोस्तों। लगाने के बाद अब गाड़ी हमारा रेडी हो चुका है, बट ये हमारा इसे भी हम टाइट कर लेते हैं दोस्तों। इसे टाइट करके आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका माइलेज मिला लेंगे क्योंकि नया कार्बोरेटर है। तो स्टार्ट करो, देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हम इसका माइलेज मिला लेते हैं। देख सकते हैं गाड़ी हमारी बिल्कुल स्मूथ है, तो इसका क्या करेंगे, हम माइलेज सेट कर लेंगे दोस्तों। माइलेज सेट करने का वही मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको तरीका बता रखा है, ये जो रेस का स्क्रू है इसे बढ़ा देंगे 40-45 के लगभग स्क्रू, उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो स्क्रू हुआ डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद गाड़ी स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल, देख सकते हैं जहाँ पे हमारा रुके, गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए वहाँ पे हमें छोड़ देना है। देख सकते हैं दोस्तों जो प्रॉब्लम था वो कार्बोरेटर की वजह से ही था कि हमारा रेस नहीं रुक रहा था। अभी देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, एकदम स्मूथ, जितना पे आप रखें उतना पे रह जा रही है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं गाड़ी एकदम स्टार्ट है, बिल्कुल स्मूथ है, एकदम पता भी नहीं चल रहा, देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी एकदम बिल्कुल नया की तरह, ये नया की तरह चलने में दिख रही है। तो इसी तरह का वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।